हेलो एवरीबॉडी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप एलएलसी कंपनीज को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी एलएलसी कंपनी को कैंसिल करना चाह रहे हैं यूएई में, तो उसका प्रोसीजर वन टू ऑल मैं आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले जो प्रोसीजर है, आपको लाइसेंस कैंसिलेशन से पहले अपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज जो भी उस लाइसेंस के अंदर हैं उसको कैंसिल करना पड़ेगा। जब आप ये कैंसिल कर लेंगे वीज़ाज, उसके बाद एलएलसी कंपनी के लाइसेंस का कैंसिलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी गाइड कर देता हूँ कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसिलेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले जी, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसिलेशन का एक वो टाइप लेटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा लेबर कैंसिलेशन टाइपिंग होगी, उसके बाद आपकी होगी लेबर कैंसिलेशन सबमिशन होगी, ठीक है जी। जब ये तीन चीज़ें हो जाएंगी तो एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपने इमिग्रेशन भी कैंसिलेशन करानी है। तो ये जब चार चीज़ें हो जाएंगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। ये चारों चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। जब ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रोसेस लाइसेंस कैंसिलेशन का। अच्छा जी, जब आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसिलेशन हो गई, उसके बाद आपने कंपनी लेबर कार्ड कैंसिल करना है एट MOHRE, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरिटाइजेशन। अच्छा जी, जब आपके वीज़ाज भी कैंसिल हो गए और आपका लेबर कार्ड भी कैंसिल हो गया, उसके बाद आपने एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनानी है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स के सिग्नेचर्स होंगे टू डिसॉल्व द कंपनी। उनका टॉपिक ये होगा कि आपने डिसॉल्व करनी कंपनी। उसके बाद आपके पार्टनर वीज़ाज कैंसिल होंगे सारे, ठीक है। उसके बाद आपने नंबर थ्री पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट करना है और उसका अपॉइंटमेंट लेटर को नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक लिक्विडेटर की तरफ से लेटर उनकी ट्रेड लाइसेंस कॉपी के साथ और ऑडिटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपने अटैच करना है। अच्छा, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 2000 दिरहम्स एट DED डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इशू द लिक्विडेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद लिक्विडेशन एडवर्टाइजमेंट देनी होगी लोकल न्यूज़पेपर में और उसके बाद वेट करना होगा 45 डेज, ठीक है। जब 45 डेज गुजर जाए और अगर कोई क्लेम आता है तो आपको क्लेम सेटल करना पड़ेगा। अगर क्लेम नहीं आता तो यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। उसके बाद आपने वो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट अलोंग विद द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी वो अटैच करनी है। एक उसके बाद एक कंफर्मेशन लेटर ये आपके जो भी आपका लिक्विडेटर है उसकी तरफ से कि इन 45 डेज में कोई क्लेम नहीं आया, या अगर कोई क्लेम आया तो दैट इज़ सेटल्ड, ओके। और उसके बाद एक क्लियरेंस लेटर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से लेना पड़ेगा और वो अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉपी बोर्ड रेजोल्यूशन की और एक कॉपी लिक्विडेशन सर्टिफिकेट की, वो अटैच करनी है आपने। उसके बाद आपने पे करने हैं 3000 दिरहम्स एट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइसेंस कैंसिलेशन फीस है ये। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद आपका ये प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा।